हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास इलेवंथ का मैथमेटिक्स। और क्लास इलेवंथ का मैथमेटिक्स में आपको पता है हमारा सीरीज चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का। तो आपने इसके पहले के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं स्टार्ट किया था, कोणों की माप का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि कैसे डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में चेंज करते हैं, किस तरह से हम डिग्री को मिनट सेकंड में डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने आपको बताया था। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे उसके क्वेश्चन, बहुत इनिशियल कंडीशन से, शुरुआत के स्थिति से मैं लेके उसको धीरे धीरे आपको कोणों की माप को बता रहा हूँ। देखिए, कोणों को माप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, लेकिन चूँकि ट्रिग्नोमेट्री कोण से ही स्टार्ट होता है इसलिए हमको उसको समझना जरूरी है। इसके बाद जो हमारा एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा, साइन थीटा कॉस थीटा वहाँ से होगा। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके प्रैक्टिस के लिए, कोणों की माप का, जिसमें मैं हर तरह के क्वेश्चन, एक एक दो दो हर तरह के क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ और उससे हम जो कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए जो पहले बता चुका हूँ, ओनली प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ मैं, 180 डिग्री को हमको चेंज करना है किसमें, रेडियन में। 120 अंश को रेडियन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन जरूरी है, आपको जानना जरूरी है, आगे इसका बहुत यूज़ होगा। तो क्या मैंने बताया था कॉन्सेप्ट में कि जब डिग्री को रेडियन में चेंज करना होता है तो पाई बाई 180 का उसमें गुणा करते हैं, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, ये फिर जीरो जीरो के साथ कैंसिल हो गया और 6 2 जा 6 3 जा ये हो गया 2π/3 रेडियन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2π/3 रेडियन को ऊपर में छोटा सा सी लिखते हैं, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है, ये हो गया 2π/3। इसी तरह से एक क्वेश्चन अपन इसके अपोजिट समझ लें, यहाँ पर हम रेडियन को डिग्री में चेंज कर लेंगे तो मान लो हमारा क्वेश्चन है 3π/2 रेडियन को हमको चेंज करना है किसमें, डिग्री में चेंज करना है। इस तरह से यदि रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तब हम क्या करेंगे, देखो, देयरफॉर ये 3π/2 इंटू, इसको रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए उल्टा काम करते हैं, यहाँ पर हमने पाई बाई 180 मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर क्या करेंगे अपन 180/π दैट इक्वल, आगे इसको सॉल्व करें तो पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 ये 9 जाए, ठीक है, 90, 9 3 जा 27 270 अंश, ठीक है। ये आपको याद भी हो जाना चाहिए, आपको मालूम है कि हम फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, कहीं पर भी साइंस में 3π/2 लिखा है तुरंत उसको 270 डिग्री लिखते हैं, तो ये बहुत कॉमन यूज़ का चीज़ है, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ों को आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो ये पहला कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का है, डिग्री को रेडियन में बदलना या रेडियन को डिग्री में बदलना। अब हम देखते हैं इसके कुछ वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम मतलब शब्दों पर आधारित कि इस तरह का सिचुएशन पर हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो क्वेश्चन तो मैं नहीं लिख रहा हूँ, दो दो लाइन का क्वेश्चन है और ना उसको बोर्ड में डिस्प्ले कर रहा हूँ, आपको ओरल बताऊँगा दोनों लैंग्वेज में, आप ऐसे समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं जहाँ पर हमको समझना है कि इस तरह क्वेश्चन हम कैसे बनाते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन मैं लिया, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं फिगर बना के एक्सप्लेन भी कर दूंगा। किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है सपोज, और इस ट्राइंगल के जो एंगल है, ये एंगल ये एपी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में इसके कोण हैं एपी में। और आपको मालूम है कि तीनों कोणों के जो समांतर श्रेणी में, टेंथ क्लास में आपने पढ़ा है, कोई भी तीन क्रमागत कंटिन्यूस अपने को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लेना है तो क्या लेते हैं, समांतर श्रेणी में उसके कोण को हम मान लेंगे, एक को मान लिए x माइनस वाई डिग्री, दूसरे को मान लिए अपन x और इसको लिख लिए x प्लस वाई डिग्री, ठीक है। इस तरह से ये समांतर श्रेणी में है, आप समझ गए होंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो y आएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो y आएगा, ये समांतर श्रेणी में है। तो क्वेश्चन में दिया है कि इसके जो एंगल हैं वो समांतर श्रेणी में है, तथा क्या दिया हुआ है, एंड जो सबसे छोटा एंगल है वो 45 डिग्री है, इसका सबसे छोटा एंगल 45 डिग्री है, दैट मीन्स x माइनस वाई इक्वल टू 45 डिग्री। तो जो सबसे बड़ा एंगल है उसका वैल्यू हमको रेडियन में फाइंड करना है। कुल मिला के आपको डिग्री को रेडियन में बदलने ही बोल रहा है, बस थोड़ा सा घुमा के दिया है क्वेश्चन, ठीक, क्वेश्चन क्लियर। क्या बोला मैंने कि
किसी ट्राइंगल के तीनों जो एंगल्स हैं वो एपी में हैं, समांतर श्रेणी में हैं। यदि उसका सबसे छोटा एंगल x माइनस वाई 45 डिग्री है तो सबसे बड़ा एंगल रेडियन में कितना होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, चूंकि हमको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम, तीनों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो क्या लिख लेंगे अपन इसको, एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, 180 अंश लिख लेंगे। दैट इंप्लाइज इसको आगे हम सॉल्व करें तो यहाँ वाई जो है वाई के साथ में कट जाएगा। एक्चुअल में मानते इसीलिए हैं ताकि एक वेरिएबल क्या हो जाए, यहाँ से हट जाए। तो हो जाएगा एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब कितना हो गया, 3x इक्वल टू 180 डिग्री। देयर फोर एक्स इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये x का वैल्यू कितना निकल गया, 60 डिग्री निकल गया। अब हमको y का भी वैल्यू फाइंड करना होगा। तो हमको क्वेश्चन में दिया है x माइनस वाई क्या है, 45 डिग्री है, सबसे छोटा एंगल। तो चूंकि x माइनस वाई इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इम्प्लाइज x का मान यहाँ पर रख दें तो 60 माइनस वाई इक्वल टू 45 डिग्री, दैट इम्प्लाइज y को इधर ट्रांसफर कर दो तो y इक्वल टू ये इसके साथ आके माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री 15 अंश। अब इस 15 डिग्री को हमको चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो देयर फॉर y इक्वल टू 15 डिग्री इंटू पाई बाई 180, ठीक है। 15 अंश को इस प्रकार से अपन चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 15 को अपन करें तो 15 फाइव थ्रीजा और 5 दिया 15 और 5 छक्के 30, ठीक है, और 3 और कैंसिल आउट हो रहा है ना, मतलब 3 ठीक है, मतलब 15 ट्वेल्व जा डायरेक्ट अपन कैंसिल करा दें तो 15 12 में 180 होता है ये। तो ये हो गया पाई बाई 12 रेडियन, ये इसका आंसर हो जाएगा पाई बाई 12 रेडियन, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं किसी त्रिभुज के को, तो कुछ नहीं है इसमें, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं। फाइव पाई बाई 12 आया है इसका आंसर 75, यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमें, 75 डिग्री। सबसे बड़े कोण का मान रेडियन में फाइंड करना है, सॉरी ये तो मैंने वाई का मान रेडियन में फाइंड कर दिया, चलो ठीक है। क्वेश्चन में सबसे बड़े कोण का मान पूछा है, यदि वाई का मान रेडियन में ऐसा निकालेंगे, क्वेश्चन पूछा है हमको सबसे बड़े कोण का मान रेडियन में, ये क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ नहीं पाया था मैं, तो फिर एक्स और वाई का मान यहाँ पर भर दें तो सबसे बड़ा कोण बिगेस्ट एंगल क्या हो जाएगा, देयर फोर एक्स प्लस वाई इक्वल टू, एक्स का वैल्यू क्या है अपने पास, एक्स का वैल्यू है 60 और वाई का 15, तो ये हो गया 60 प्लस 15 दैट इक्वल टू 75 डिग्री। अब 75 डिग्री को अपन रेडियन में चेंज करेंगे तो देयर फोर 75 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू पाई बाई 180, तो हो जाएगा 15 पंचे 75 15 12, मतलब 5 पाई बाई 12 रेडियन, ये इसका आंसर होगा। मैंने y को ही रेडियन में चेंज कर दिया था, एक्चुअल में क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो सबसे बड़ा एंगल है उसको रेडियन में फाइंड करो। तो आसान क्वेश्चन है, ठीक है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस तरह के जो वर्ड प्रॉब्लम है उसमें सिर्फ क्या करना है आपको, रिलेशन बनाना है, संबंध बनाना है, और काम तो उतना ही करना है, रेडियन को डिग्री डिग्री को। एक्चुअल में जो कोणों की माप में क्वेश्चन है वो डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, थोड़ा क्वेश्चन कहीं घुमावदार होता है तो समझने में दिक्कत होता है। एक क्वेश्चन देखो, एक घोड़ा 13.5 मीटर लंबी रस्सी द्वारा एक खूंटे से बंधा है, एक हॉर्स है वो क्या है, एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ये मैं फिगर बना देता हूँ, जरूरत नहीं है लेकिन समझाने के लिए चलो ये, और ये सपोज ये हॉर्स है, ये घोड़ा है, यहाँ पर एक रस्सी से बंधा है और ये है 13.5 मीटर रस्सी से बंधा है, और इस रस्सी से जब उसकी त्रिज्या हो गई, रस्सी से खूंटे से बंधा है, अब वो क्या कर रहे हैं, चारों तरफ घूम रहे हैं। आगे बोलता है रस्सी को 70 डिग्री के कोण में घूमने पर कितनी दूरी तय करेगा। अब यह घोड़ा यहाँ से यहाँ पर आ गया, ये सपोज इस पोजिशन में आ गया, इसको ए पोजिशन कह देता हूँ मैं, और बी, और अपने सेंटर पर 70 डिग्री एंगल से घूम गया। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वह कितना दूरी चला, तो ये जो चाप है इसका
ये इसके द्वारा चली गई दूरी है जिसको मान लो हम एस कह दें। कितना आसान क्वेश्चन है, बस वर्ड प्रॉब्लम है कि उसको घोड़े के फार्म में दे दिया, हार्स के फार्म में दे दिया, तो कितना दूरी चलेगा वो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से। तो सिंस थीटा इक्वल टू आर्क अपान रेडियस ये होगा, दैट इम्प्लाइज एंगल का वैल्यू कितना है 70 डिग्री। तो यहाँ पर आपको पता है, ये बात मैं कई बार आपको बता चुका कि ये जो फार्मूला होता है ये सिर्फ रेडियन के लिए होता है, ध्यान में रखना। तो इसको तुरंत रेडियन में हम चेंज करेंगे, पाई बाई 180 और इक्वल टू एस अपान आर। तो एस हमको फाइंड करना है, ये हो गया, और आर का वैल्यू कितना है 13.5। तो एस हमको मान ज्ञात करना है, तो एस इक्वल टू इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो सबको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 इंटू, ये इधर चला गया तो 180, ठीक है, इधर आके इसको मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, सॉरी मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ किसको, इसको, एस तो अकेले हो जाएगा तो ये नीचे में रहेगा 70/180 और ये ऊपर में पाई और ये 13.5 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो पाई का वैल्यू अब हम पुट करेंगे, पाई का वैल्यू पुट करने में बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होता है। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि पाई को यदि आप कोण के रूप में यूज़ करेंगे तो 180 डिग्री आप पुट करना, लेकिन पाई को यदि आप क्या है दूरी के रूप में यूज़ करोगे तो 22/7, ये भूलना नहीं कभी, अदरवाइज बहुत कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पाई किस रूप में है यूज़ हो रहा है, दूरी, हम चाप निकाल रहे हैं, चाप दूरी होता है, तो यहाँ पर इसको 180 नहीं पुट करेंगे, इसको 22/7 पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये 70 × 22/7 × 180 का 180 और × 13.5। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 7 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया, 2 से इसको अपन कैंसिल कराएं तो 2 9 जा ये हो जाएगा और 2 11, ठीक है, और कुछ है, हो गया। देखो ध्यान से यहाँ पर, अब यहाँ पर 13.5 को 9 से अपन कैंसिल कराएं तो कितना हो जाएगा, नहीं होगा ये कैंसिल, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके मैं इसको आंसर लिख देता हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा 1.5, इसको डिवाइड करें तो ये 1.5 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और 11 × 1.5 ये आएगा 16.5 मीटर, ये गुणा भाग कर ले रहा आप इस तरह से, तो 16.5 मीटर ये चलेगा, मतलब यदि ये अपने सेंटर पर 70 डिग्री का एंगल बनाए तो यहाँ से यहाँ तक चलने में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 16.5 आया इसका आंसर ये। तो देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको सिचुएशन को समझना है। फाइनली आपको पूरे चैप्टर में एक ही फार्मूला है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, और पूरा का पूरा क्वेश्चन चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो इस अकेले फार्मूला से बनेगा, और सिर्फ आपको कहीं पर डिग्री को रेडियन में, कहीं पर रेडियन को डिग्री में चेंज करना होगा और कुछ नहीं है, ठीक है। मैं इस पर आपको वीडियो और क्वेश्चन इसलिए प्रोवाइड करा दिया कि कोणों की माप पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को एक बेसिक आइडिया रहना चाहिए, अदरवाइज इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है, कि हमको आइडिया रहना चाहिए कि भाई हम मेजरमेंट ऑफ एंगल जो पढ़े हैं वो यूज़ किस तरह से होता है, कैसे उसके क्वेश्चन बनते हैं। बाकी ट्रिग्नोमेट्री का बहुत स्टार्टिंग पोर्शन का पार्ट है ये, ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में स्टार्ट होता है जहाँ से हम साइन थीटा कॉस थीटा पढ़ना शुरू करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारा वहीं से स्टार्ट करने वाले हैं और वो बहुत रैपिड चलेगा फिर, है ना, आप लोग का 11th का कोर्स थोड़ा सा पीछे है मुझे मालूम है, तो वो फिर ट्रिग्नोमेट्री में तेज़ी से कंप्लीट करूँगा फिर ज्यामिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और कुछ नए नए तरीके क्वेश्चन आपको बता दूँ, किसी वृत्त की त्रिज्या 48 सेंटीमीटर की परिधि पर 3। देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये हमारे पास एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, दो सर्कल है अपने पास, ये ध्यान रखना, सर्कल नंबर फर्स्ट, सर्कल नंबर सेकंड। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये क्या है, इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है ये 48 सेंटीमीटर है, और दूसरे वाले का जो रेडियस है R2 वह 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसको छोटा बनाना था मेरे को, चलो फिगर से कुछ नहीं, फिर भी दिखे भी तो छोटा है ना, ये छोटा सर्कल है, इसको मैं ब्लू कलर से बना देता हूँ,
ये छोटा सर्कल है, इसका रेडियस है, R1 R2 मानने की जरूरत नहीं है, 3 सेंटीमीटर है, ये छोटा सा सर्कल है। अब क्या किया गया, इस सर्कल को काट के तार बनाया गया। आपको मालूम है कि जैसे कहीं पर हम बात करते हैं वृत्त की लंबाई, तो यहाँ एक बड़ा कन्फ्यूज़न आता है स्टूडेंट के दिमाग, वृत्त की लंबाई। कई लोग मुझे पूछे सर वृत्त की लंबाई कैसे होगी, तो वृत्त की लंबाई कैसे होती है, सपोज ये आपके पास कोई तार है, ये वृत्ताकार है। अब इसकी परिधि मान लो इसकी त्रिज्या आर है, तो परिधि कितना हो जाएगा इसका, 2πr हो जाएगा। और परिधि का मतलब क्या हुआ, यहाँ से पूरे यहाँ तक की दूरी। अब इस तार को यहाँ से मैं काट दिया और इसको ऐसा सीधा कर दिया, तो यही वृत्त की तो परिधि है ना ये। और अब इसकी जो लंबाई है इसको हम 2πr कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये भी उसकी लंबाई है और काटने से ये उसकी लंबाई है। तो कभी भी आपको बोले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि किसी वृत्त को काट कर, यदि किसी वृत्त को काट कर यदि एक लंबा तार बना दिया जाए, तो वृत्त की जितनी परिधि थी वही उस तार की लंबाई होगी। तो इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि इस तार को यहाँ से काटा गया और इसको हम बना दिए एक तार, लंबा तार, ठीक। तो इसकी जो लंबाई होगी वो कितना होगा, 2πr, मतलब 2π, और यहाँ पर r का मान कितना है, 3, तो कितना हो जाएगा ये, 6π, मतलब 6π क्या हो गया इसका, लंबाई हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ध्यान से समझना। अब इस तार को हम पकड़े और इस तार को पकड़ के इस वृत्त में उसको इस वृत्त के ऊपर ऐसा रख दिया, मान लो यहाँ तक आया ये मान लो यहाँ तक आया, तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर जो इसका चाप बन गया, इस तार को लिए और इस बड़े वृत्त के ऊपर में कवर कर दिए उसको, तो ये जो S है वो कितना बन गया इसका, 6π। तो क्वेश्चन में पूछा है कि केंद्र पर कितना कोण बनेगा, एक बार क्वेश्चन रीड कर लूँ। क्वेश्चन में बोला है तार द्वारा कितना एंगल बनेगा, माने यहाँ पर कितना कोण बनेगा, ये हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, अंततः काम वही है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल इक्वल टू आर कपान रेडियस। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, चूंकि एंगल इक्वल टू आर कपान रेडियस, दैट इम्प्लाइज ये एंगल और आर का क्या है अपने पास, 6π, ये 6π है और रेडियस कितना है, 48, रेडियस इसका 48 ही होगा ना, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो रेडियन में इसको आंसर देके डिवाइड कर सकते हैं, डिवीजन तो करना पड़ेगा, तो 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा, अच्छा तो सीधा कैंसिल हो जाता है ना, 3 8 24 थी, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते, पाई बाई एट हो गया। अब पाई बाई एट में भी हम इसके आंसर को दे सकते हैं, पाई बाई एट रेडियन, ये इसका आंसर कंप्लीट हो गया। लेकिन मान लो इसको हमको क्या करना है, कोण में देना है, इसमें डिग्री में देना है, तो डिग्री में देने के लिए हम क्या करेंगे, पाई के वैल्यू को डिग्री में पुट करेंगे, तो पाई रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ भी आंसर सही है ना, यहाँ तक आप आंसर दे सकते हो, मान लो डिग्री में देना है तो इसको आप, क्योंकि आंसर में बुक में डिग्री में दिया है, तो 180 अपान कितना हो जाएगा, 8, और 180 में 8 डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, मैं डिवाइड करके बता देता हूँ आपको, 180 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 22.5, ये हो गया 22.5 डिग्री, या इसको हम लिख सकते हैं 22 डिग्री, और 0.5 को हम लिख सकते हैं 30 मिनट, ऐसा भी आंसर लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो, आंसर सभी सही है। ये रेडियन में है, ये डिग्री में है, और ये डिग्री के साथ साथ मिनट में भी है, तो आंसर किसी प्रकार से निकाल। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, इसको तार बना के इसमें कवर किया गया जो इसका चाप बन गया। तो फाइनली हर क्वेश्चन में आप एक ही बात देख रहे हैं, ये कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाहे जितने क्वेश्चन कर लो इस एक्सरसाइज में, बस आपको इतना ही करना है, सिर्फ आपको वर्ड प्रॉब्लम को समझना है कि प्रश्न कह क्या रहा है। बहुत आसान सा चैप्टर है, देखो कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं अपनी तरफ से करा दूं, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन का एक अभ्यास हो जाए। इसके बाद आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आपके बुक में कुछ क्वेश्चन होंगे उसको आप सॉल्व कर सकते हो, ना भी करो तो इससे पूरा काम चलेगा, इसमें नंबर आप क्वेश्चन ज़्यादा नहीं, वैरायटी नहीं है क्वेश्चन की इसमें ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना।
मतलब कथन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, काम तो उतना ही छे। क्या है, एक खिलाड़ी 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर दौड़ते समय, देखो थोड़ा कथन ध्यान समझना क्योंकि कथन लिख नहीं रहा हूँ, सब चित्र से बता रहा हूँ इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। ये कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जैसे अपन जब रेस में किसी सर्कल में दौड़ते हैं तो सर्कुलर पाथ है और इसका रेडियस है 5 मीटर, इसका रेडियस है 5 मीटर। अब क्या करता है, एक खिलाड़ी इसमें दौड़ता है, सपोज ए से उसने दौड़ना स्टार्ट किया और क्वेश्चन में बोलता है कि 8 सेकंड में 30 डिग्री घूमता है वो, मतलब वो जब यहाँ से यहाँ बी में पहुँचता है और 30 डिग्री सेंटर पर बनाता है तो उस समय वो जो टाइम लेता है वो कितना लेता है, 8 सेकंड। क्लियर ना, ए से बी पहुंचने में, यहां से यहां तक पहुंचने में कितना लेता है, वो 8 सेकंड लेता है, ये बोलता है। यह उस वृत्ताकार पथ के पूरे 3 चक्कर कितने समय में लगाएगा, तो 3 चक्कर लगाने में लगा समय, टाइम टेकन इन 3 complete revolution, ये कैलकुलेट करने पर, ठीक है, जिन लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं ध्यान रखना कभी कठिन लगता है, टोटल टाइम टेकन इन 3 revolution, 3 चक्कर लगाने में वो कितना समय लेगा, ये हमको पूछ रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर, यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है 8 सेकंड में, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 8 सेकंड में चली गई दूरी, जो कि क्या होगा, इसका चाप होगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकंड, 8 सेकंड में चली दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल इन 8 सेकंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये इसका चाप है s, तो ये इसका डिस्टेंस है, इसको मैं s से प्रदर्शित कर दिया, तो s इक्वल टू हो जाएगा क्या, r का अपान रेडियस, एंगल इक्वल टू r का अपान रेडियस, तो r इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो हो गया थीटा इंटू r, और थीटा कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं 30 into π/180 और इंटू रेडियस कितने हैं अपने पास 5, ये है। क्लियर, इसको हम सॉल्व कर लें तो 0 0 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऐसे छोड़ दें इसको, 15π और 3 से कैंसिल हो रहा है ना, 3 6 18 और कुछ कैंसिल हो रहा है नहीं, और कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हो गया 5π/6, तो यह हो गया 8 सेकंड में चली गई दूरी। मतलब क्या निकाला हमने कि जब वो खिलाड़ी यहाँ से यहाँ तक जब दौड़ के जाएगा तो इतना डिस्टेंस चलेगा, 8 सेकंड में चली गई दूरी, ठीक है, तो 8 सेकंड में चली गई दूरी ये है, तो इसलिए हम क्या निकाल सकते हैं, 1 सेकंड में चली गई दूरी निकाल सकते हैं, 8 सेकंड में चली गई दूरी इतना है, तो इसलिए 1 सेकंड में चली गई दूरी। अब हम ये निकाल लें कि वो 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है, तो 8 सेकंड में इतना, तो 5π/6, तो 1 सेकंड में कितना, तो अपान 8 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई नहीं करता, उसी 5 फॉर्म में छोड़ देता हूँ, ये हो जाएगा 3 पूरे 3 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ठीक ऐसी रहने दो, 3 चक्कर इसको लगाना है, 3 चक्कर लगाने में लगा समय, तो पहले निकाल लें कि 3 चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी चलेगा, तो एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा, 2πr, परिधि के बराबर, मतलब यदि वह खिलाड़ी यहाँ से दौड़ के दोबारा यहाँ पर वापस आ जाए तो 2πr के बराबर चलेगा, तो 1 चक्कर में चली गई दूरी बराबर 2πr, दैट इक्वल टू 2π, और रेडियस कितना है इसका 5, मतलब कितना हो गया 10π हो गया, और उसको राउंड लगाना है कितना, 3 राउंड लगाना है उसको, तो 1 राउंड लगाने में इतना डिस्टेंस चला, तो इसलिए 3 चक्कर में, इस ये 3 चक्कर में चली गई दूरी बराबर कितना हो जाएगा 10π/3, दैट मीन्स 30π। अब हमने टोटल चक्कर में इतना दूरी निकाल लिया,
अब यहाँ पर में चली गई दूरी इतना मीटर, तो ध्यान में रखना इतना मीटर चलता है एक सेकंड में, ठीक है, इतना मीटर चलता है एक सेकंड में। हमको टाइम निकालना है, तीन चक्कर में चली गई दूरी कितना है, 30 पाई है। चूंकि 5 पाई बाई इसका मल्टीप्लाई कर दें 48 मीटर, पूरा हिसाब लगाना है बस, चलता है एक सेकंड में, तो एक मीटर चलेगा, ठीक, इतना मीटर चलता है वन सेकंड में, तो वन मीटर कितना में चलेगा, इसका जस्ट 1/2 इतना, मतलब इतना हो जाएगा 48/5π सेकंड, क्योंकि 1/5π/480, तो इतना मीटर चलता है वन सेकंड में, तो एक मीटर चलेगा इतने सेकंड में, इसलिए उसको चलवाना कितना है, उसको चलवाना है इतना मीटर, ये मीटर है, तीन चक्कर में चली गई दूरी, तो 30π मीटर चलने, छोटे क्लास में आप लोग हिसाब किताब लगाते थे, बस वही है लगा समय, मुझे बोरिंग लगता है कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें कोण का कुछ काम नहीं है, बस एक मितना उसमें मितना काम बस यहाँ तक था और कुछ है ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्लियर ना यहाँ तक। तो 30 मीटर में कितना चलेगा, 1 मीटर इतना सेकंड में चलता है, तो 30 मीटर इंटू उतना 48/5π इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा किस कितना 30π का, दैट इक्वल, अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, पाई पाई के साथ में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इसको 5 को ये 6 जा इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 6 × 48 = 24 और हम कितना के 6 × 48 = 4, तो कितना हो जाएगा 288, ठीक है, सेकंड 288 सेकंड। यदि आपको मिनट में इसको चेंज करना है तो 60 आप उसमें डिवाइड कर दोगे, ज़रूरत नहीं है सेकंड में आंसर दे सकते हैं, ठीक है, या 60 डिवाइड करोगे तो हो जाएगा मिनट में निकल जाएगा, चलो मिनट में कर दें, ठीक है, यहाँ तक आंसर है क्या है इसका, ठीक है। तो ये देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बस ये समझना है, बस हिसाब किताब लगाना है आपको, एक में इतना उतने में इतना ऐसा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सभी क्वेश्चन ऐसे हैं इस चैप्टर के, वर्ड प्रॉब्लम है लेकिन मैं लिख नहीं रहा हूँ, स्टेटमेंट आप फिगर से समझ जा रहे होंगे, मेरा पर्पस केवल इनको समझाना है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब हम देखते हैं थोड़ा सा नया पैटर्न का क्वेश्चन, एक घड़ी के मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, ये देखो ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, मैं वैसी वैसी क्वेश्चन सेलेक्ट करा के आपको बता रहा हूँ जिसका कॉन्सेप्ट कुछ डिफरेंट है। ये अपने पास एक घड़ी है, वॉच है ये, और इसमें हम मिनट के निडिल के बारे में बात कर रहे हैं, मिनट की सुई, ये मान लो मिनट की सुई है, इसको अभी मैं यहाँ पर रखा हूँ, मान लो 12 बजे है, मिनट की सुई है ना, ध्यान रखना। अब इसका क्या दिया है क्वेश्चन में, 1.5 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, मतलब वो त्रिज्या हो गया 1.5 सेंटीमीटर। फिर बोलता है 50 मिनट चलने में इसकी यह सुई, 50 मिनट इसको चलाना है, ये चल के आके 50 मिनट मतलब लगभग यहाँ होता है आपको मालूम है ये, तो 50 मिनट इसको चलाया गया यहाँ पर, ठीक है, 50 मिनट चलाने पर यहाँ पर जो एंगल बनेगा, क्वेश्चन में क्या दिया है 50 मिनट चलने में यह सुई कितना घूम जाएगी, यही पूछ रहा है ये क्वेश्चन, ये पूछ रहा है कि 50 मिनट चलने में यह कितना घूम जाएगा, माने यहाँ का कोण हमको ज्ञात करना है, हम सुई को यहाँ से चलाए और 50 मिनट तक उसको चलाए, ठीक है, तो ये कितना कोण अपने सेंटर पर बनाएगा ये निकालना है अपने को। तो क्वेश्चन में दिया है एक घड़ी के मिनट के सुई 50 मिनट चलने में है, इसकी यह सुई कितना घूम जाएगी, क्वेश्चन में कंफ्यूजन है कितने कोण से घूम जाएगी, नहीं पूछ रहा है ये कितनी दूरी कितना घूम जाएगा ये, क्योंकि आंसर तो यहाँ दूरी में दिया है, ये चाप पूछा है, ये चाप हमको पूछा है कि कितना दूरी तय करेगा, वो ये पूछा है, कोण नहीं पूछा है, कोण हमको निकालना पड़ेगा, कोण निकालेंगे तभी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से ये निकलेगा, सबसे पहले हम कोण निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 50
मिनट में बनाया कोण, बनाया गया कोण 50 मिनट घूमने में बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 360 घूमने में कितना कोण बनता है, 360 डिग्री 60 मिनट, माने ये मिनट का सुई है तो जब ये 60 मिनट से घूम जाती है तो कितना कोण बनाती है, 360, तो 360 बटे 60 ये क्या होगा, एक मिनट में बनाया गया कोण, क्योंकि टोटल घूमने में 360 डिग्री तो 60 मिनट में इतना, यानी एक मिनट, यदि मिनट की सुई एक मिनट आगे घूमती है तो इतना, तो 50 मिनट में कितना हो जाएगा, इंटू 50 हो जाएगा, क्लियर, दैट इक्वल ये 6 जा, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री, ये 300 डिग्री हो जाएगा, मतलब 50 मिनट में बनाया गया कोण कितना होगा, 300 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज कर लें तो 300 इंटू पाई बाई 180 इक्वल टू, ये 0 0 कैंसिल हो गया और 6 3 18 6 5 30 मतलब 5 पाई बाई 3 इतने से घूम जाएगा। अब हमको ये पूछा है कि ये इसका चाप कितना होगा, मतलब कितनी दूरी चलेगी, तो चूंकि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या से, कोण का वैल्यू हम निकाल लिए हैं कितना 5 पाई बाई 3, चाप हमको निकालना है, त्रिज्या है कितना 1.5, दैट इम्प्लाइज इसको हम सॉल्व करें तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो तो s इक्वल टू हो जाएगा 5 × 1.5 × π/3, इसको हम 22/7 लिख लें तो यहाँ पर 5 × 1.5 × 22/7 × 3, अब इसको सरल करो सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 3 5 0.5, ठीक है 0.5 में हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई करो, मैं कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर बता देता हूँ आपको, ऊपर को सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं तो 55, ठीक है 55, या इसको 1/2 कर दें, 0.5 को 1/2 कर दें तो 2 11 11 5 55 हो जाएगा और 7 इसको मैं फिर डिवाइड कर देता हूँ 55/7 मतलब 7.857 मीटर, किसमें दिया है सेंटीमीटर, मीटर में इतनी बड़ी तो सुई हो ही नहीं सकती है ना। चलो तो इतना दूरी ये तय करेगा, मतलब यदि मिनट का सुई 50 मिनट का यदि दूरी तय करे, 1.5 सेंटीमीटर उस नीडल की लंबाई है तो वह इतना दूरी तय करेगा 7.857। तो ये हो गया ये क्वेश्चन जो वॉच पर बेस्ड है, आसान क्वेश्चन है भी बहुत। अब देखते हैं हम एक नया क्वेश्चन, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, वैसे बहुत आसान फिगर से तो आप स्टेटमेंट समझ जा रहे हैं, बस मेरा पर्पज उसको समझाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन वृत्तों की त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। एक छोटा सा और क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट वाइज अच्छा है वो है, देखो उन वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात जिनके केंद्र पर एक ही लंबाई 60 अंश और 45 अंश, एक सर्कल ये दूसरा सर्कल ये, इसका रेडियस R1 इसका रेडियस R2, ये अपने सेंटर पर, ये पहला सर्कल है ये दूसरा सर्कल है, इसने अपने अपने सेंटर पर एंगल बनाया है 60 डिग्री और इसने बनाया है 45 डिग्री, क्लियर। और क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के आर्क समान है, मतलब यहाँ पर जो चाप है S है और यहाँ पर है वो भी S है, तो उसके रेडियस का रेशियो फाइंड करो बोलता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, रेडियस का रेशियो फाइंड करने बोलता है, तो यहाँ पर S इक्वल टू, ठीक है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, तो एंगल कितना हुआ 60 डिग्री इंटू रेडियस R1, यहाँ पर भी हम S निकालें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 डिग्री इंटू R2, दोनों जगह S क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों वृत्त में चाप समान है, कोण अलग अलग है चाप समान है, त्रिज्या का अनुपात निकालने बोलता है, रिलेशन नंबर फर्स्ट रिलेशन नंबर सेकंड, तो इसलिए
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों एस के बराबर हैं तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री इंटू आर वन इक्वल टू 45 डिग्री इंटू आर टू, दैट इंटू इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो आर वन अपॉन आर टू इक्वल टू हो जाएगा 45 अपॉन 60, ठीक है 15 3 45 15 4 60 मतलब 3:4 ये इसका आंसर हो जाएगा। तो रेडियस में कितना आंसर हो जाएगा 3:4। तो देखो ये सब क्वेश्चन मैं आपको जो बताया कोणों की माप में बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी टाइप के बस क्वेश्चन इसमें बनते हैं, इससे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन है नहीं। ये बहुत छोटा सा पार्ट है कोणों की माप, मेजरमेंट ऑफ एंगल ट्रिग्नोमेट्री का इनिशियल स्टार्टिंग छोटा सा पार्ट है, जहाँ पर पर्पस है सिर्फ स्टूडेंट को कोणों की जानकारी देना, एंगल्स के बारे में बताना कि भाई इसको कितने तरीके से मापा जाता है, कैसे मापते हैं और इस तरह के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक्चुअल में हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा समकोण त्रिभुज, पाइथागोरस थ्योरम, साइन थीटा कॉस थीटा, ये हम स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा बहुत जल्दी। लेकिन आपको एक काम दे रहा हूँ जाते जाते कि आपने इससे पहले 9th-10th क्लास में जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक चीज़ आप पढ़े हैं आप उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि मैं जब 11th लेवल के ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री करूँ तो आप बहुत तेज़ी से उसको रिसीव कर सकें, और ट्रिग्नोमेट्री का बहुत बड़ा पोर्शन है और उसको हमको बहुत अच्छे से करना है। ओके थैंक यू।